देखो बहुत से प्रेमी कहते कहते चले गए, उनकी इच्छा नहीं पूरी हो पाई। किस बात की इच्छा? कि गुरु महाराज का कोई स्थान बन जाए, गुरु महाराज का कोई चिन्ह बन जाए, गुरु महाराज का कोई मंदिर बन जाए। हमसे भी बराबर कहते रहते थे, पहल करो पहल करो, कोशिश करो कोशिश करो, बनाओ, बनते हुए हम देख लें, चालू हो जाए हम देख लें। लेकिन बेचारे चले गए। हमसे लोग शुरू में भी कहते थे स्थान बनाओ, हमने कहा बनेगा, समय आएगा तब बनेगा। बराबर यही कहता रहा प्रेमी। कुछ दिन पहले मैंने पहल किया, 2.5-3 साल पहले, कि भाई बन जाए। लेकिन झगड़ा झंझट में मथुरा में कोई मंदिर नहीं बन सकता था। अब जो दुश्मन मान लिए वो तो आज भी दुश्मन मान रहे हैं। चाहता तो था कि मथुरा में बन जाए। लोग जो वहां लड़ रहे हैं आपस में, समझाने की उनको कोशिश किया, सबको एक हो जाने के लिए प्रयास किया, लेकिन आप ये समझो रिजल्ट कुछ नहीं निकला। मिले भी लोग, समझाए भी लोग, लोग कहे हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वही हुआ जैसे पंचायत में हुआ था। एक बार गुरु महाराज ने सुनाया था, इसको बताया था कि पंचायत हुई। क्यों? क्योंकि उसका पानी जो था छत का, घर का, उसके बिल्कुल बगल के दरवाजे के सामने गिरता था। तो कहता था कि भाई आप उधर गिरा दो, उधर गिरा दो, एक इंच निकाल दोगे उधर पानी गिर जाएगा, हमारे इधर नहीं आएगा, दरवाजे के सामने गिरता है। तो नहीं मानता था। पंचायत इकट्ठा हुई तो पंचायत वालों ने कहा, पंचों ने कि भाई तुम मान जाओ, अन्याय क्यों करते हो, अत्याचार क्यों करते हो, इस तरह से क्यों सताते हो गरीब को बेचारे को। तो बोला ठीक है, पंचों जो कहते हैं सब मंजूर है। तो बोले कि ठीक है, तो तुम उधर खोल लो, उधर बंद कर दो। कहा सब मंजूर है पंच जो कहते। और जब उठने लगा तब कहा सब मंजूर है, लेकिन पानी जहां गिरता था वही गिरेगा, पानी तो वही गिरेगा, बाकी पंचों का सब मंजूर है। तो सब मंजूर होते हुए भी वही हो गया। अब आप ये समझो कि मथुरा में तो गुरु महाराज का मंदिर नहीं बन सकता है। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि प्रेमियों घर घर मंदिर बनाओ। मंदिर का मतलब तो समझो, गुरु का फोटो कहीं इधर पड़ा है, कहीं उधर पड़ा है, कहीं कोने में पड़ा है, कहीं कुछ नहीं, अपने कपड़े की सफाई, अपने बिस्तर की सफाई, अपने घर की सफाई रोज करती। लेकिन उधर अलमारी में, अलमारी के ऊपर कहीं कोने में डाल दिया, वहां पड़ा है, कोई सफाई नहीं कुछ नहीं। तो मंदिर बना लो और सर सफाई ना करो, मंदिर में पूजा ना करो, तो मंदिर की वैल्यू क्या रहेगी, महत्व क्या रहेगा। तो कम से कम हमने कहा अपने अपने यहाँ घर में बनाओ, साफ सफाई रखो, वहीं बैठ करके ध्यान भजन करो, मंदिर का मतलब तो समझो। लेकिन फिर लोगों ने कहा ऐसे समस्या नहीं सुलझेगी, इच्छाओं की पूर्ति लोगों के नहीं होगी। तब हमने कहा तो भाई सोचो, बताओ सब लोग कि कहाँ बने। तो प्रेमियों लोगों की राय आई है, देखो ये दिल्ली और आपका राजस्थान और हरियाणा, ये तीनों प्रांत एक जगह पर अनिसमझो मिलते हैं, बॉर्डर है। तो वहीं बॉर्डर के पास में एक बावल जगह है, आप लोग जानते होंगे। तो वहां पर अपनी जमीन है और मंदिर बनने भर को जमीन वहां पर है। और आप राजस्थान के ही प्रेमी जो लोग आप जानते हो, आप ये समझो कि अनि जो जानते हो इस बात को, समझते हो, वो लोग जानते हो कि आप राजस्थान वाले संभाल रहे हो, हरियाणा दिल्ली वो आसपास के लोग उस आश्रम को संभाल रहे हैं, उसके विकास में जो हो सकता है लगे हुए हैं। तो लोगों की यही राय आ रही है कि वही बना लिया जाए। पहले हमने लोगों से जगह जगह पूछा था कि गुरु महाराज का स्थान बनाना चाहते हो, लोगों ने कहा था हाँ। तो आज आपसे भी पूछ लें, अरे बनाना चाहते हो, बनाना चाहते हो तो बावल में बना लिया जाए। ये तो बावल जब जयपुर से जाते हैं, बावल से 3-4 किलोमीटर आगे दाहिने हाथ की तरफ अपना आश्रम है, वहाँ छोटे मोटे कार्यक्रम भी कई बार हुए हैं। तो आप अगर बनाना चाहते हो तो बावल में बना लो,
गुरु महाराज का मंदिर, गुरु महाराज का स्थान, गुरु महाराज का चिन्ह बन जाए। वैसे संत मत में तो मंदिर का कोई महत्व नहीं है, संतों ने तो इसी मनुष्य शरीर को ही मानो मंदिर बताया है, इसी में वो प्रभु मिलता है, उसमें नहीं है। लेकिन एक पहचान हो जाती है कि भाई इन्होंने इतना काम किया, आने वाली पीढ़ी देखेगी, आने वाली पीढ़ी समझेगी कि भाई ये इतने बड़े महापुरुष थे कि जो दिन रात लग करके पैदल जा जा करके पानी में कीचड़ में गांव गांव ढाणी ढाणी जा करके जीवों को जगाया था, जीवों के को मुक्ति मोक्ष का रास्ता बताया था, जीवों को निज घर पहुंचाया था। तो हो जाए, कोई हर्ज नहीं, आप लोग बना लो, उसकी योजना बनाओ, सभी लोग मिलकर बनाओ, जितने भी सत्संगी देश विदेश में हो सबको मौका दिया जाता है, आप लोग अपनी योजना बना लो और देख लो मुहूर्त कब निकलेगा, कब आप शुरू करोगे, कैसे करोगे। अब इस पर आप लोग शुरुआत कर दो, काम शुरू कर दो और समय निकाल लो, हमसे पूछ लें। हम बोले थे कि हम बताएंगे, तो अब हम आपको बता रहे हैं। आप जो है रेवाड़ी जिला, ये हरियाणा का पट्टा है, उसी में वो जगह है बावल के पास में, तो वहीं पर बना लो आश्रम, पर जो आश्रम इस समय पर है।